अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण, गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। हम हर बार देखते थे लेकिन चूंकि हमारा दौरा पहले से तय था, तो हुआ क्या, ये भाजपा के लोग जो है धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको खत्म कर रही है। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो दो तिहाई युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइट लाइव में, मैं आपके साथ कोमल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। केंद्र सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जहां सत्ता पक्ष इस बजट को जनता के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष की ओर से इस बजट को फेल कहा जा रहा है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बजट से मजबूत नींव का निर्माण होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूँ। वहीं आम बजट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बजट से आत्मनिर्भर भारत के सपने पूरे होंगे। सभी वर्गों को इस बार बजट में ध्यान में रखा गया है और विशेष तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार टैक्स बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता यह है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह पर अब नई गाड़ी आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े से शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया गया तो अब क्या दिया जाएगा। भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था, सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है, बेरोजगारी महंगाई की बात भी नहीं की गई। वहीं बजट को लेकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बजट के बारे में नहीं पता है।
हालांकि इस बजट को लेकर बिहार सरकार की तरफ से वित्त मंत्री को उन्होंने आगे कर जवाब देने को कहा, जिसके बाद इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप जरा सुनिए। केंद्र में बजट भी पेश हो रहा है, एक्चुअली हम हर बार देखते थे लेकिन चूंकि हमारा दौरा पहले से तय था इसलिए हम देख नहीं पाए, हम तो लौटेंगे तब हम एक एक चीज को देखेंगे, तभी तो हम इसमें घूम रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम हर बार सुनते ही थे। ये मेरी शुरू से आदत है, जब से हम एमपी थे तो अंदर रहते थे, लेकिन उसके बाद भी जब हम यहाँ रहे कोई भी सरकार थी हम जरूर उनका सुनते थे, जरूर देखते थे, हम लास्ट ईयर तक पूरा सुने, अब इस बार भी हम सुनते, लेकिन चूंकि पहले से तय था ये कार्यक्रम तब करें क्या, कैसे छोड़ दें, चूंकि ये सब तो पहले नहीं मालूम था कि कब होगा, बाद में ना मालूम होगा, और तय था मेरा पहले से, तब हम लौट के जाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो चाह रहे थे केंद्र के बजट, तो आप लोग तो मीटिंग में गए हुए हैं ना, हम लोग तो मीटिंग में जाके गए, अभी तक जो आया है उसमें बिहार के लोगों की अपेक्षा या सरकार जो चाहती है जो बताया है एक भी चीज उन्होंने नहीं कहा। वहीं बिहार के ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा कि इस बार का बजट नील बटा सन्नाटा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए, बिहार को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। भी तो यही कहा ना कि आए दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है, खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो लोग को रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज़्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है? उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं, सबसे ज़्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। अब देखिए सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से तब जो है परेशान है महंगाई को लेकर के, आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया, परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया, तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा बजट पर सवाल खड़े करने पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा आप सुनिए। बिहारियों को फायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। पांच विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट की प्रवृत्ति जो बनी है उस प्रवृत्ति पर यहाँ की सरकार बजट को देखती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बजट के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का व्यवस्था लाभुक को दिया है उससे कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने इस बजट को मिडिल क्लास और किसानों के हित में बताया है। लघु सीमांत किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो दो तिहाई युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है, और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा
और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइड लाइव।